क्रांति गारू नमस्कार। नमस्कारम सर। सो क्रांति गारू अपने बारे में जरा बताइए। क्रांति गारू मी गुरुंची मी रेंडे कुंचन चेप्पंडी। ना पेरु कागे क्रांति कुमार मादी मारुमूला ग्रामम गिजनामा प्रांतमैना रत्नगिरी कॉलनी चिंतपेली मल्लनम विशाख जिला। मैं सुदूर गिरिजन प्रांत रत्नगिरी कॉलोनी चिंतपल्ली मंडल विशाखा जिले से संबंधित हूँ। क्रांति जी, आज जब आप बिजली होने और ना होने की दोनों की स्थिति की तुलना करते हो तो आपको क्या फर्क आता है? पहले बिजली के बिना जिंदगी कैसी थी, अब बिजली आने से जिंदगी कैसी हो गई? కరెంట్ రాకముందు కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏం తేడా కనిపించింది? అప్పుడు ఎలా ఉండేది మీ జీవితం, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? మా ఊర్లో కరెంట్ సౌకర్యం లేనప్పుడు మేము రాత్రి సమయంలో పనులు చేసుకోవడానికి కానీ మరియు ఏదైనా పనులు చేసుకోవడానికి కానీ పిల్లలు చదువుకోవడానికి కానీ చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం సార్. 2015 డిసెంబర్లోని మా ఊరిలో దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ జ్యోతి యోజన పథకం కింద మా ఊరికి కరెంట్ వచ్చింది సార్. కరెంట్ రావడం వల్ల మాకు రాత్రి వేళలో పిల్లలు చదువుకోవడానికి, టీవీల ద్వారా ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మరియు ఇంటి వద్దనే మంచినీటి సౌకర్యం పొందుతున్నాం సార్. అలాగే మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వాడుతున్నాం సార్. విద్యుత్ చాలా చాలా మాకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్. 2015 से पहले जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तब हम लोगों ने बहुत सारी असुविधाओं का हमें सामना करना पड़ा. न रात रात को मतलब जो है पढ़ाई नहीं कर सकते थे, घर में मतलब महिलाओं को मतलब घर का खाना बनाने वगैरह में भी असुविधा थी. और चिंतपल्ली चूंकि जंगलों के पास है तो रात के समय सांप कीड़े वगैरह मतलब आ जाते थे तो हमें जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. 2015 दिसंबर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत हमें जो है बिजली की व्यवस्था कराई गई. तब से हमारे पूरे गांव में जो पहले कम परिवार थे गांव में, लेकिन बिजली की व्यवस्था के बाद परिवारों की संख्या भी बढ़ गई और अब जो है जितने भी मतलब परिवार में बहुत खुश हैं. अब हम लोग रात को पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं और जितने भी दिन और रात दोनों समय मतलब हम लोग काम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है. और यहाँ मतलब किसान यहाँ पर ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ स्कूल्स भी हैं जहाँ बच्चे लोगों को रात को भी पढ़ाई की जाती है. और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ मतलब गिरिजन प्रांत जो है दूर तक मतलब सच्ची कच्ची सड़क है. कच्ची सड़क पार करके कुएं से पानी के पीने का पानी भरकर हम लोग लाते थे, लेकिन आज विद्युत की मतलब जो जब हम लोग को व्यवस्था हो गई तो लोग वहां से सरकार ने मतलब बहुत अथक प्रयास करके हमारे घरों के पास बोरवेल डाल दिया और मोटर वहां फिक्स कर दिया. तो अब हम लोग घर बैठे ही हम लोगों को पीने का पानी मिल जाता है. इसके लिए हम जो है सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. क्रांति जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले कोल्हा जी से बात कर रहा था, अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप दोनों की बात में गांव को क्या फायदा हुआ वो इतना बढ़िया तरीके से आपने बताया. देखिए, देश तभी प्रगति करेगा जब उसका प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गांव, उसके बच्चे, गांव की माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, ये सब प्रगति करें. मुझे संतोष है कि आज देश के हर गांव में बिजली जैसी सुविधा पहुंच चुकी है. आपको, आपके गांव, देश के हर ऐसे गांव को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं.